एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावते रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नारियल पाक की रेसिपी, जो झटपट घर में हम बना सकते हैं। 3 इंग्रेडिएंट में बनने वाली आसान सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है ये नारियल पाक, उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यह है और पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी और इसमें हम मीडियम साइज का जो नारियल हमने ग्रेट किया है इसमें ऐड करेंगे। मीडियम साइज के नारियल को अच्छे से ग्रेट करके लिया है बारीक और इसके साथ हमें इसको स्टर करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें इसे इस तरह से घी में स्टर करना है। तकरीबन 3 मिनट हमने नारियल को अच्छे से भून लिया है लो फ्लेम पे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लीटर फ्रेश मिल्क। अच्छे से मिक्स करेंगे मिल्क के साथ और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल करना है और इसके साथ अच्छे से मिक्स करना है। हाई फ्लेम पे हमें बॉईल आने तक इस तरह चलाते रहना है। दूध को हमारे अच्छे से बॉईल आ चुका है तो अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह चलाते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते रहना है। मिनट तकरीबन हो चुके हैं और हम इसे इसी तरह चला रहे हैं, इसको स्टर करते रहना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। दूध की क्वांटिटी भी हमारी जो है वो पक चुकी है, पक के ये अच्छे से कम हो गई है। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसी तरह हम इसको चलाते रहेंगे। इस तरह हमें चलाते रहना है। देखिए ये ड्राई हो रहा है, अच्छे से ड्राई होने तक हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। देखिए इस तरह से हम इसको चला रहे हैं और ये ड्राई हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लग गया है और अभी भी इसमें मॉइस्चर है, हमें इसमें मॉइस्चर नहीं रखना है। इसको ऐसे ही हमें स्टर करते रहना है। देखिए ये कितना अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसका कलर भी है ये ऑफ व्हाइट हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह की हमने एक स्टील की प्लेट ली है और इसको हमने घी से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इस मिक्सचर को इसमें ट्रांसफर करेंगे। हमने इसे अच्छे से फ्लैट कर लिया है, चम्मच को घी लगाकर हमने इसे अच्छे से फ्लैट कर लिया है ताकि ये चम्मच में चिपके नहीं। और अब हम इसको कट लगा लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से कट लगाना है और हम इसे अब डायमंड कट लगा लेंगे। आपको अगर चौकर पसंद है तो आपके मर्जी के मुताबिक चौकर में भी काट सकते हैं।
इस तरीके से हमने इसको डायमंड कट लगा लिए है और अब हम इसे आलमंड से गार्निश करेंगे। हल्का सा दबाकर हमें आलमंड को इस तरीके से लगाना है। देखिए हमने इस तरह से आलमंड से और हल्की पिस्ता पाउडर से इसको गार्निश कर लिया है और अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं और नारियल पाक को हमने फ्रिज से बाहर निकाला है। देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है। इसके पीसेस भी देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं। खाने में उतना ही ये टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।